तिरुपति बालाजी लड्डू में जो मिलावट हुई उससे हमें क्या सीखना चाहिए। तिरुपति बालाजी लाखों नहीं बल्कि करोड़ों हिंदुओं की श्रद्धा का स्थान है। हिंदुओं के हजारों तीर्थों में टॉप 10 में इस तीर्थ का नाम आता है। उसमें भी वहाँ पर भगवान के प्रसाद के रूप में दिए जाने वाले लड्डू तो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, फेमस है। एक रिपोर्ट के अनुसार 3.5 लाख से भी ज़्यादा लड्डू एक दिन में बनते हैं। आज तक कम से कम करोड़ों लोगों ने, भक्तों ने ये लड्डू विश्वास से, श्रद्धा से भगवान का प्रसाद समझकर खाए हैं। उसमें से लाखों या करोड़ों लोग ऐसे थे, ज़्यादातर लोग ऐसे थे कि जो वेजिटेरियन थे ज़िंदगी में, जिन्होंने कभी नॉनवेज नहीं खाया था, टच भी नहीं किया था। वो लोग तो पूरे विश्वास से लड्डू खाते थे कि ऐसे बड़े तीर्थ में प्रभु के प्रसाद में मिलावट का कोई चांस ही नहीं हो सकता। लेकिन कुछ दिनों पहले ही सबका विश्वास टूट गया, भांडा फूटा और लड्डू में उपयोग किए जाने वाले घी में नॉनवेज इंग्रेडिएंट्स जैसे कि बीफ टैलो यानी कि गाय के मांस से बना हुआ फैट, लार्ड यानी कि सुअर यानी कि पिक के मांस से बना हुआ फैट और फिश ऑयल की मिलावट की बात प्रूफ के साथ बाहर आई। कई न्यूज़ रिपोर्ट्स में आप ये देख सकते हैं। सबको आघात लगा, लेकिन करना क्या, ऐसे निंदनीय कार्य किसी भी जगह पर नहीं होने चाहिए। लेकिन तिरुपति बालाजी के लड्डू में मिलावट के बाद हमें अपनी आंखें खोल देनी चाहिए। हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि जैनों के खाने पीने के धार्मिक प्रोग्राम्स में क्या ऐसा हो सकता है, अहिंसा के पुजारी ऐसे जैनों के साथ भी ऐसी धोखेबाजी तो नहीं हो रही है ना, वो धोखेबाजी जाने अनजाने में जैन लोग ही तो नहीं कर रहे हैं ना। आप सभी शांति से पेशेंटली ये पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, कई खुलासे इस वीडियो में होंगे। हम 9 पॉइंट्स में सभी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। पॉइंट नंबर 1, जैन धर्म में जो खाने योग्य है उसे भक्ष्य वस्तु कही जाती है और जो खाने योग्य नहीं है उसे अभक्ष्य कहा जाता है। पहले एक बात क्लियर कर देते हैं कि सिर्फ पशुओं का मांस, चर्बी वगैरह ही नहीं खाना, सिर्फ इतना ही अभक्ष्य है, ऐसा जैनों में नहीं है। जैनों में इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें अभक्ष्य है, यानी कि जो भक्षण करने योग्य, खाने योग्य नहीं है। पॉइंट नंबर 2, जैन धर्म में कौन कौन सी चीज़ों की मनाही है वो हम शॉर्ट में देख लेते हैं। शराब यानी कि अल्कोहल, मांस यानी कि नॉनवेज, मक्खन यानी कि बटर, मद यानी कि हनी, ये 4 महाविगायों की मनाही है। और उसके अलावा आलू, प्याज, लहसुन, अदरक आदि जमीन कंद यानी कि रूट वेजिटेबल्स की मनाही है। कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो आज बनाई हो और दूसरे या तीसरे दिन उसमें सूक्ष्म जीव यानी कि इनविजिबल लटे आदि उत्पन्न हो जाती है। वो लटे खुली आंखों से भले ही दिखाई नहीं देती है लेकिन है ज़रूर। कोरोना के करोड़ों जर्म्स भी कहाँ दिखते थे लेकिन फिर भी थे ना। ऐसी चीज़ों को बासी कहा जाता है, जैसे कि आज बनाई गई रोटी, सब्जी, दाल, चावल आदि में अगले दिन ऐसी लटे उत्पन्न हो जाती है। फिर भले ही हम उन चीज़ों को फ्रिज में भी क्यों न रखें। कुछ गच्छाधिपति 45 आगमों के ज्ञाता श्री जयघोष सुरेश जी महाराज साहब ने लिखा है कि भोजन सूर्योदय के बाद बने तो बेस्ट है। मान लो कि उससे पहले बनाया हो तो जैना के पालन में गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं। और रात के 4th प्रहर से पहले यानी कि लगभग 3 बजे से पहले बनाया तो वो चीज़ बासी ही गिनी जाती है। बर्फ़, आइसक्रीम, गोला आदि फ्रोजन वस्तुओं की भी मनाही है। जो दूध दही गर्म न किया हो ऐसे कच्चे दूध दही छाछ के साथ मूंग, उड़द, तुअर आदि कोई भी कठोल अगर मिक्स्ड हो तो उसे द्विदल बोलते हैं। द्विदल के बारे में सभी डिटेल्स हमने कुछ समय पहले एक वीडियो में जानी थी, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। द्विदल में भी इनविजिबल लटों की उत्पत्ति हो जाती है इसलिए उसकी भी मनाही है। मिठाई, नमकीन, आटा आदि चीज़ों का फिक्स टाइम बताया गया है, चातुर्मास में 15 दिन, ठंडी के मौसम में 30 दिन और गर्मी के मौसम में 20 दिन ये चीज़ें चलती है। उसके बाद उसमें जीव उत्पन्न हो जाते हैं या फिर होने की संभावना होती है, इसलिए उस काल के बाद ये सभी चीज़ों की भी मनाही की गई है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन अभी हमने सिर्फ शॉर्ट में ये चीज़ें जानी है, डिटेल में आप गुरु भगवंत के पास जान सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, जैनों में धार्मिक फंक्शंस बहुत होते हैं और उसमें सामूहिक भोजन तो होता ही है। चरिपालित संघ, उपधान, नवाणु, तीर्थ में सामूहिक चातुर्मास, कोई भी तपश्चर्या में उत्तर पारना, पारना और तपश्चर्य के बीच में बियाशना और तप के बाद का महोत्सव आदि, फिर दीक्षा, शिविर, पूजन आदि। ये सब प्रोग्राम्स में जो सामूहिक भोजन होता है वो 100, 500, 5000 या फिर कुछ केसेस में 10,000 या 20,000 लोगों का भी होता है। पॉइंट नंबर 4, आज के ज़माने में ज़्यादातर ये देखने को मिलता है कि साधर्मिक भक्ति के भाव कम लेकिन दिखावे के, स्टेटस के भाव ज़्यादा है। हम 4, 6, 8 आइटम्स ही भोजन में रखेंगे तो समाज क्या कहेगा, लोगों में हमारी इज्जत क्या रहेगी, सब लोग हमें कंजूस या फिर गरीब मान लेंगे। हमारा समाज में एक लेवल है, स्टेटस है और उसके हिसाब से चलना पड़ता है भाई। लोग तारीफ करें ऐसा बेहतरीन भोजन होना चाहिए, फिर वो भोजन अभक्षय क्यों ना। यह है आज के अधिकतर लोगों की सोच।
अब समाज को खुश करने के चक्कर में हम प्रभु को खुश करना भूल जाते हैं। 15, 20, 30, 40, 50 आइटम्स भोजन में रखेंगे। ज्यादातर जैना से कोई लेना देना नहीं होता। अरे जैना का तो ज्ञान ही नहीं है। पूरी जिंदगी हमने लोगों को खुश करने में निकाली है, तो भगवान को खुश करने की भावना भी कहाँ से आएगी। प्रभु तो कहते हैं, मेरी आज्ञा का पालन कर तो मैं खुश हूँ। मेरी आज्ञा है संपूर्ण जैना और अभक्ष का त्याग। लेकिन लोगों की झूठी मस्केबाजी को सुनकर कान इतने भारी हो गए हैं कि उस कान तक प्रभु की बातें पहुंचती ही नहीं है। एक तरफ लोगों को खुश करने के पागलपन में 25-50 आइटम्स बना देते हैं, और दूसरी तरफ घोर अज्ञान, और तीसरी तरफ कोई ज्ञान देने वाला मिले तो भी प्रभु की आज्ञा का पालन करने में आलस, इग्नोरेंस और इंटरेस्ट भी नहीं देते। ये सभी कारण से जैनों के धार्मिक भोजन में तिरुपति बालाजी के लड्डू में नॉनवेज की मिलावट जैसी शर्मनाक घटना हजारों बार हो चुकी है और शायद अभी भी हो रही है। शायद 10-20% धार्मिक भोजन ही ऐसे होते होंगे जिसमें 100% जैना का पालन होता है। जहाँ पर जैना का पालन होता है उनकी अंतर मन से अनुमोदना करते हैं, अंतर मन से धन्यवाद देते हैं। पॉइंट नंबर 5, भोजन के अंदर जितना अनाज चाहिए उसकी सफाई शाविका बहने करे। जितनी सब्जी चाहिए उसको सुधारने का, साफ करने का काम शाविका बहने करे। जो मसाले चाहिए वो रेडीमेड कंपनी के पैकेट मंगवाने के बजाय खुद तैयार करवाए जाए आदि। ऐसी बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा जाए तब जाकर के एक शुद्ध धार्मिक भोजन हो पाता है। लेकिन आज की हमारी हालत क्या है? केटरर्स को कंट्रोल दिया जाएगा और हम फ्री हो जाएंगे। उसमें पैसा तो डबल जाएगा ही, लेकिन हिंसा का, अजैना का ढेर खड़ा हो जाता है। केटरर्स वाले धर्म करने नहीं बैठे, ये हमें समझना पड़ेगा। जैना अहिंसा से उनका कोई लेना देना नहीं है, उनका मतलब है कमाई से, पैसों से। अब देखिए क्या गड़बड़ होती है या हो सकती है। भगवान की आज्ञा का कितना बेरहमी से भंग होता है। देखिए, आटा आदि तैयार लाया जाता है जिसका टाइम हो चुका होता है। हमारी भाषा में एक्सपायरी डेट निकल चुकी होती है। ये आटे आदि में विजिबल इनविजिबल सैकड़ों लटे होती है, वो सबकी हिंसा से बनेगी हमारी रोटी पूड़ी तंदूरी। 20-30-40 आइटम्स बनानी है तो इतना टाइम कहाँ पर है, और इतने गैस स्टव्स कहाँ पर है? फिर आधी रात से या उससे पहले से ही काम स्टार्ट। अरे बहुत सारी चीज़ें तो रात को 2 बजे तक भी रेडी हो जाती है, यानी कि दूसरे दिन बासी और इनविजिबल लटों का घर और अहिंसा के पुजारी हजारों जैन ये मस्ती से खाएंगे। साधर्मिकों को बासी खिलाना, इसको साधर्मिक भक्ति कैसे बोल सकते हैं? अरे भाई, 3-4 सब्जी तो मिनिमम चाहिए ही, वरना स्टेटस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। रात को ही या फिर शायद उससे भी पहले सभी काम वाली बाई सब्जी सुधारने के काम में लग जाते हैं। उनको ये छोटी छोटी लटे आदि जीवों की दया कहाँ से होगी? उनको फटाफट काम निपटाना है। बेचारी लटे साधर्मिक भक्ति के नाम से काटी जाती है, जैसे कि जैनों के भोजन के लिए शहीद हो रही हो। हमारे पास पक्की खबरें हैं कि सैकड़ों की संख्या में इस प्रकार लटे मरती हैं, वो भी लगभग हर एक फंक्शन में जहाँ पर जैना का पालन नहीं होता है। जहाँ पर पालन होता है उनकी फिर से हम अनुमोदना करते हैं। लगभग अलग अलग कंपनीज के मसाले आदि यूज़ किए जाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ अभक्ष्य तो है ही। किसी में लहसुन है, किसी में लील फूग, यानी कि धार्मिक भोजन में जमीन कंद का, अनंत काय का भोग हो रहा है। क्या जैनों के धार्मिक भोजन में कभी भी आलू, प्याज, लहसुन, अदरक आदि चीज़ें हो सकती है? लेकिन मसाले के द्वारा ऐसा हो ही रहा है। बर्फ का यूज़ भी कॉमन होता जा रहा है। दही बड़ा बनाया, कड़ी बनाई, तब केटरर्स वाले दही को बराबर गर्म करते ही नहीं हैं। हम पूछेंगे तो बोलेंगे कि हाँ बराबर गर्म कर दिया है, लेकिन उन्हें झूठ नहीं बोलने की प्रतिज्ञा नहीं है। संसारियों के लिए झूठ बोलना वो तो चपटी का खेल है। कभी भी किसी के भी सामने कितना भी बड़ा झूठ बोलना हो आज के बहुत सारे लोगों के लिए बहुत आसान कार्य है। तो ये तो क्या चीज़ है, यहाँ तो दही को गर्म करते ही नहीं है, या फिर करे तो भी बराबर नहीं करते। अभी सोचिए, ऐसे दही में वड़ा मिक्स होगा, दही में चने का आटा मिक्स होकर कढ़ी बनेगी, ऐसी कच्ची छाछ के साथ सब कठोल दाल आदि खाएंगे तो इसमें द्विदल का, यानी कि इनविजिबल लटों की हिंसा का, भक्षण का दोष लगेगा ही। पॉइंट नंबर 6, 5th पॉइंट में हमने जो बातें बताई है वो तो एक संभावना है। आज के धार्मिक भोजन में लगभग ये सब होने के चांसेस रहते ही है। अब इस पॉइंट में हमने जो जो घटनाएं अलग अलग सोर्सेस से जानी है, जो हकीकत में बनी है, वो देखते हैं। एक जगह पर वर्षि तप के पारने थे, 15,000 से भी अधिक लोगों का खाना रखा था। रात को 12-2 बजे तक में सब्जी बन चुकी थी, खाने वालों ने बासी भोजन खाया और न जाने कितनी ही अनगिनत लटे खाई। एक जगह पर 600 लोगों का भोजन था। एक महात्मा मसाला डालने से पहले उसमें से एक कटोरी जितने उबले हुए चने आइमिल के लिए लेकर आए। जब उजाले में गौर से देखा तो उसमें अनेक लटे मरी हुई पड़ी थी। महात्मा के हाथ कांपने लगे, वो रो पड़े। अनफॉर्चुनेटली वही छोले की सब्जी 600 जैन लोगों ने खाई।
शायद ऐसा कह सकते कि लटे खाई। एक जगह वर्षितप के बियाशने की रसोई में महाराज साहब बोहरने गए। वहां पर बंगाली मिठाइयां थी, लेकिन बोहराने वालों ने सामने से कह दिया कि साहेब जी, ये आपको नहीं चलेगी, ये तो कल की बनाई हुई है। महाराज साहब को आश्चर्य के साथ आघात लगा कि बासी बंगाली मिठाई हमको तो नहीं चलती है, वो तो पता है, लेकिन वर्षितप के 150 तपस्वियों को कैसे चल सकती है? क्या महान तपस्वी बासी मिठाई खा सकते हैं? तब धर्म को पैरों के नीचे तो हम नहीं कुचल रहे ना, सोचने जैसा है। महाराज साहब की प्रेरणा से एक संघ में स्वामी वात्सल्य में अनाज की सफाई आदि का काम श्राविका बहने करते थे, लेकिन एक बार कुछ कारणवश वो पॉसिबल नहीं हो पाया तो जैनों की दुकान में ही गेहूं साफ करवा कर भेजने का ऑर्डर दिया गया। संघ के युवान ट्रस्टी भाई जब दुकान से गेहूं लेकर पिसवाने के लिए जा रहे थे, तब उनका मन नहीं मान रहा था। दुकानदार ने कहा था कि मैंने 2 बार गेहूं की सफाई करवाई है, आप चिंता मत करो, लेकिन अंतर की आवाज़ को वो अवॉइड नहीं कर पाए और रास्ते में से ही वापस लौटकर उनकी श्राविका को कहा कि आप एक बार थोड़ा सा चेक कर लो, और श्राविका ने चेक किया। दोनों की आंखें फट गई, क्योंकि उसमें ढेर सारे धनोरे यानी कि गेहूं में उत्पन्न होने वाले काले जीव थे। उन भाई को लगा कि अगर वो गेहूं पिसवा देते तो सैकड़ों जीव उसमें पीस कर मर जाते। एक जगह सुबह 400 लोगों की नौकर सी थी। रसोईया मूंग के अंदर खटास के लिए अमचूर डालने ही जा रहा था कि वहाँ पर जैना मंडल की बहनें पहुँच गईं। उन्होंने रसोईये को रोका और अमचूर का पैकेट थाली में खाली किया और अनेक छोटे छोटे जीव उसमें घूमते हुए उन्हें दिखे। गुजरात के एक बड़े शहर के बड़े संघ के आयमिल खाते की बात है। एक साध्वी जी भगवंत को कुछ चीज़ों की शंका थी, तो उन्होंने चतुराई से छानबीन की और तब आंखें खोल देने वाली घटना सामने आई। आयमिल खाता के स्टाफ को तपस्वियों के पानी को गर्म करके ठंडा करके मटके में भरकर दोपहर को तपस्वियों की जगह पर रखना था, लेकिन स्टाफ ने ये सब झंझटमारी से बचने के लिए बिना किसी से पूछे पानी गर्म करना ही छोड़ दिया और सीधा कच्चा ठंडा पानी ही मटके में भरकर रखना शुरू कर दिया था। आज की बनी हुई बाजरी की रोटी आदि कुछ चीज़ें अगर बढ़ जाती तो वे भर कर रख देते थे और दूसरे दिन आयमिल में वही गर्म करके दे देते थे ताकि नया बनाने की झंझट ही मिटे, यानी कि आयमिल में बासी रोटी। इस साल की ही पर्युषण की बात है। एक संघ में जन्म वांछन के दिन दोपहर का स्वामी वात्सल्य था। संघ के ट्रस्टीगण ने महाराज साहब को कहा था कि महाराज साहब, हमारे यहाँ पर बराबर जैना होती है, क्योंकि हम जिनको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं वो केटर वाला जैन ही है, बहुत सालों से वह ही यह काम संभालता है। लेकिन महाराज साहब को भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने संघ के युवाओं को कहा कि आप सुबह जल्दी आकर चेक करना। दूसरे दिन ट्रस्टी तो घर पर उठे भी नहीं थे और संघ के युवान चेकिंग करने के लिए आ गए। उन्होंने देखा तो पता चला कि एक दिन पहले ही बनाए गए गट्टे रेडी होकर आ गए थे, बस उसमें झोल मसाला करना बाकी था, यानी कि गट्टे बासी थे, यानी कि पर्युषण में बासी खाना। मसाले के पैकेट्स तैयार थे जिसमें जमीन कन के अंश थे। शायद झटका लगेगा ये जानकर, लेकिन पैकेट्स की एक्सपायरी डेट जा चुकी थी, यानी कि मसाला बनाने वाली कंपनी के हिसाब से वो मसाला अब नहीं चल सकता था। युवाओं ने गैस चूल्हे को बराबर साफ किया तो उसमें कम से कम 40 से 50 कॉकरोचेस बाहर निकले। महाराज साहब ने तुरंत ट्रस्टीगण को जगाकर बुलाया, उनके पास कुछ भी जवाब नहीं था। एक बार एक दीक्षा महोत्सव में 3 दिन तीनों टाइम शाही भोजन रखा गया था। रोज बहुत कुछ बनता था और उसका एक बहुत बड़ा अंश एक बड़े खड्डे में डाला जाता था और 3 दिन के बाद जब उसमें देखा गया तो हजारों लटे उसमें उत्पन्न हो चुकी थी और खदबत्ती हुई दिखती थी। पूरी जिंदगी अहिंसा का संपूर्ण पालन करने जा रहे मुमुक्षों की दीक्षा के भोजन में ही घोर हिंसा नाम का यह बड़ा अमंगल होता है। पॉइंट नंबर 7, शास्त्रों में कहा है कि अहिंसा टॉप मंगल है, तो इसका मतलब यह ही हुआ कि हिंसा बड़ी अमंगल है। और अतिशय दुख की बात है कि शायद 80-90% से भी अधिक दीक्षाओं में दीक्षार्थियों का परिवार ही अपने चहिते दीक्षार्थी को इस महान अमंगल की भेंट दे रहे हैं। भोजन करवाना गलत नहीं है, लेकिन उसमें सिर्फ समाज में अपने स्टेटस को दिखावे का भाव, लोगों को अच्छा दिखाने का भाव और उसके लिए 15-20-30-40 आइटम्स और उसमें केटरर्स को संपूर्ण कंट्रोल देना जिसमें भारी से भारी अजैना हो, यह गलत है। अरे, केटरर्स को कॉन्ट्रैक्ट न देकर खुद भी संभाल करे तो भी जैना का ज्ञान न होने के कारण से सिर्फ जैना जैना चिल्लाते रहना हकीकत में भयंकर अजैना का सेवन है और ये सब धर्म के नाम पर अधर्म है। कुछ महात्मा तो दृढ़ता के साथ, दुख के साथ कहते हैं कि हमारा श्रावकों के ऊपर से भरोसा ही उठ गया है, क्योंकि जब हम पूछते हैं कि आपने इस भोजन में जीव रक्षा की है क्या, जैना के सिद्धांतों का पालन किया है क्या, तो वो श्रावक आसानी से हाँ बोल देते हैं। लेकिन जब गुरु भगवान छानबीन करने जाते हैं
तब सब भांडे फूट जाते हैं। श्रावकों को हकीकत में जयना शब्द ही बोलना आता है, उनके पास जयना का ज्ञान है ही नहीं, हो तो भी उसका पालन तो करते ही नहीं है। ये कुछ गुरु भगवंत कहते हैं। 500,000 10,000 सिद्धि तप हो जाए, हजारों वर्षी तप हो जाए, हजारों उद्धान संग चातुर्मास हो जाए, ये सब अच्छा ही है, लेकिन इन सब में सबसे बड़ी भयंकर चीज यह ही है कि अजयना के कारण से घोर हिंसा। कहीं ना कहीं आज जैन शासन ऊपर नहीं आ रहा है, इसके पीछे का कारण हमारा खराब भोजन भी है, ये हमें मानना पड़ेगा। खराब भोजन के कारण बुद्धि भ्रष्ट होनी ही है। पॉइंट नंबर 8, हमारी नज़रों में ये अजयना के, ये हिंसा के अनेक कारणों में से एक बड़ा कारण है ज़्यादा आइटम्स बनवाना। सम्मेलन में पूज्य आचार्य भगवंतों ने मिलकर ये नियम बनाया तो था कि स्वामी वात्सल्य में 11 से अधिक आइटम्स नहीं रखनी, लेकिन ऐसा लगता है कि इस नियम का पालन नहीं हो रहा है। उसमें अनेक बहाने सामने आ जाते हैं, जैसे कि अरे भाई ये नियम तो सिर्फ संघ का स्वामी वात्सल्य हो उसके लिए है, कोई श्रावक अपनी ओर से स्वामी वात्सल्य रखे तो उसमें तो छूट है। अरे भाई 11 आइटम्स वो तो बराबर, लेकिन छोटी छोटी चीज़ इसमें नहीं गिनी जाती है, 2-3 प्रकार की चटनी, पापड़, खिचिया, लिक्विड आइटम्स जैसे कि चाय, दूध या जूस आदि, ये सब तो एक्स्ट्रा में कर सकते हैं। प्रभु महावीर ने कहा है कि मेरे शासन में बहुत लोग जड़ और वक्र होंगे, हम प्रभु के इस वचन को सच्चा साबित कर रहे हैं। आचार्य भगवंतों ने लिया हुआ निर्णय सिर्फ संघ के स्वामी वात्सल्य में नहीं, लेकिन कोई भी धार्मिक भोजन के लिए समझना चाहिए था, लेकिन हम जड़ बनकर उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। यह है जड़ता, और छोटी चीज़ों को एक्स्ट्रा में लेकर 11 से 20 तक पहुंचा देते हैं, वह है वक्रता। पॉइंट नंबर 9, आखिरी बात, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि तिरुपति के लड्डू में नॉनवेज की मिलावट के लिए इतना शोर करने की क्या ज़रूरत है। जो करोड़ों लोग वेजिटेरियंस हैं वो जब ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हैं तो क्या मिलावट की संभावना उसमें नहीं होती है। कई लोगों ने वेज मंगवाया है और डब्बे में नॉनवेज निकला है, ऐसी मिलावट की बहुत खबरें आ चुकी है, लेकिन क्या खाना मंगवाने का ये सिलसिला बंद हुआ है क्या। बाहर के केक, स्ट्रीट फूड, होटल्स आदि में भी मिलावट होती है और वो सबको पता ही है, फिर भी ये सब चीज़ें लोग लार टपका टपका कर खा ही रहे हैं। तो जब इस तरह से पता होते हुए भी नॉनवेज खाया ही जा रहा है तो लड्डू में नॉनवेज आने से क्या फर्क पड़ता है। यही बात जैनों के लिए भी सोचनी है, 70-80% जैन लोग बासी खाते ही है, स्ट्रीट फूड, ऑनलाइन फूड, होटल्स आदि का तो खाते ही है, जमीन कंद भी खाते ही है, ब्रेड, बटर, चीज आदि सब कुछ खाते ही है। तो धार्मिक भोजन में जो ये हिंसा होती है वो इनके लिए कुछ नया नहीं है भाई, वो तो ऑलरेडी वो सब खा ही रहे हैं, तो इसका विरोध करने की क्या जरूरत है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। लेकिन हमारी नज़रों में ये बात बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसके लिए ज्ञानी गुरु भगवंत कहते हैं कि लोग अपनी पर्सनल लाइफ में जो भी अभक्ष्य भोजन आदि व्यक्तिगत रूप से करते हैं वह धर्म मानकर नहीं कर रहे, जबकि धार्मिक अनुष्ठानों में तो सब अधर्म धर्म के नाम पर ही हो रहा है। ये सबसे बड़ी गलती है और समस्या है। दूसरी बात, हर एक चीज़ की अपनी अपनी मर्यादा होती है। क्या हम घर में रात को जैसे कपड़े पहनकर सोते हैं वैसे कपड़े पहनकर ऑफिस जा सकते हैं क्या, जर्नी कर सकते हैं क्या, क्या हम धार्मिक भोजन में शराब आदि व्यसन रख सकते हैं क्या, क्या हम घर पर जमीन कंद खाते हो तो स्वामी वात्सल्य में आलू की सब्जी, लहसुन की चटनी, प्याज आदि सब रख सकते हैं क्या, घर पर मूवीज़ के गंदे गीत भी कुछ लोग सुनते हैं तो क्या मंदिर उपाश्रम में हम वो गीत सुन सकते हैं क्या, सुना सकते हैं क्या, घर पर टीवी में हम जो कुछ भी देखते हैं तो क्या धर्मस्थान में टीवी लगाकर कुछ भी देख सकते हैं क्या। आप दुनिया के कोई भी धर्म को देख लो, चाहे वो वैदिक धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो या फिर पारसी धर्म हो, सबकी अपनी अपनी मर्यादाएं है ही, अपने अपने धर्मस्थान की स्ट्रिक्टनेस है ही, वो सब लोग अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे भी जीते हो लेकिन धर्मस्थान में उनको वहाँ की मर्यादाओं का पालन करना ही होता है। अब सभी जैनों से नम्र विनंती है कि समाज को क्या लगेगा वो चिंता हमें छोड़ देनी होगी, और मेरे प्रभु को क्या लगेगा, मुझे मेरे प्रभु की आज्ञा का पालन करके प्रभु को खुश करना है, यही दृढ़ संकल्प लेने की हमें ज़रूरत है। किसी भी धार्मिक भोजन में हमें 6-11 आइटम्स ही रखने की मर्यादा लानी होगी, और 12वां द्रव्य यानी कि 12th आइटम पानी बस, बाकी चटनी या पापड़ भी 11 में ही गिनना होगा और माया कपट से दूर रहना होगा। अगर जैन संघ को ऊपर लाना है तो जैना का 100% पालन करना ही होगा और किसी के भी ऊपर जल्दी भरोसा करने से भी बचना होगा। अगर हम जैना का पालन नहीं करते तो ये समझ सकते हैं कि जैन संघ ऊपर आए ऐसा हमारा इरादा है ही नहीं। हमारे ध्यान में अभी 2 श्रावक भाई हैं, अहमदाबाद साबरमती के नागराज भाई और चेन्नई के कैलाश भाई। इन दोनों भाई के कॉन्टैक्ट नंबर्स स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। जैना को लेकर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इनको पूछ सकते हैं।
वो आपको परफेक्ट मार्गदर्शन देंगे। टाइम पास के लिए या फिर अनावश्यक डिस्कशंस के लिए इनको कॉल नहीं करना है, उतना विवेक सबको रखना होगा। मुंबई के रमेश भाई इसमें सबके गुरु थे, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन वे अब नहीं रहे। संघ में विराजमान ज्ञानी गुरु भगवंतों के पास से जैना को लेकर विशेष ज्ञान सब ले सकते हैं। जो धर्म कार्य हम करने जा रहे हैं उसकी सफलता के लिए हमें अहिंसा को ही सबसे बड़ा मंगल मानना है, और हम भोजन में अजैना करके, उपेक्षा करके, केटरर्स के भरोसे पर छोड़कर अमंगल करने की भूल नहीं कर सकते। लगभग हर एक संघ में बहनों के अनेक मंडल होते ही है, और उसमें वे स्नात्र पढ़ाना, पूजा पढ़ाना इत्यादि प्रभु भक्ति करते ही है। इसी तरह अगर हर एक संघ में जैना मंडल बन जाए और वो कोई भी धर्म कार्य में जैना का काम संभाल ले, तो वो सबसे बड़ी प्रभु भक्ति होगी। स्नात्र और पूजा के लिए अगर हमारी बहनें समय निकाल सकते हैं, तो जैना के लिए तो बिल्कुल निकाल ही सकते हैं। कोई भी संघ में अगर ऐसा जैना मंडल चलता हो या फिर ये वीडियो देखकर शुरू हो, तो वो हमें कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा, हमें बहुत खुशी होगी। हर जैन संघ में यह निरीक्षण अवश्य स्ट्रिक्टली होना ही चाहिए कि हमारे सामूहिक भोज में जो सामग्री आ रही है वो मिलावट वाली तो नहीं है ना, क्योंकि अगर तिरुपति बालाजी जैसे बड़े धार्मिक स्थान के प्रसाद में मिलावट हो सकती है, तो फिर हमारी भोजन सामग्री शुद्ध है उसकी क्या गारंटी है। आगे जाकर ऐसा लगता है कि जैनों का एक बहुत बड़ा लैब होना चाहिए जहां पर वस्तु अप्रूव हो और फिर उपयोग में ली जाए, और इसका पूरा मार्गदर्शन ज्ञानी महात्मा करे, सोचने जैसा है, वरना हम सिर्फ नाम के जैन रह जाएंगे। जय जिनशासन, जय महावीर।